सो हे गाइस, तो भाई सबसे पहले भाई तुम ये देखो YouTube ने किया क्या है मेरे साथ। अभी तुम देख लो यार, बेसिकली भी मैंने एक घंटे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमें रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे अपने लाइव स्ट्रीम रिवॉर्ड्स, सो वो तुम्हें कैसे मिलने वाले, कैसे तुम ले पाओगे। सो जो ये वाला वीडियो था भाई जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कैसे भाई तुम ये रिवॉर्ड्स ले पाओगे, कैसे तुम्हें मिलने वाले, सब कुछ बताया था। तो ये वाला वीडियो भाई YouTube ने अभी मेरा फाइनली प्राइवेट कर दिया विद इन अ आवर, ठीक है। सो YouTube मेड माई वीडियो प्राइवेट, वो भी एक घंटे के अंदर अंदर में। एंड एक्चुअली यार ये वाला वीडियो जा चुका था 6 लाख व्यूज पार, ठीक है। एक घंटे में इस पर 6 लाख आ गए थे एंड YouTube ने बिना कोई रीजन के, बिना कुछ सर्च किए, बिना कंटेंट को रिव्यू किए सीधा प्राइवेट कर दिया। एंड अभी तुम सोच रहे हो भाई तेरे को अभी कैसा लग रहा है, तो भाई मेरा हो चुका है दिमाग खराब, बिकॉज मेरा YouTube से भरोसा उठ चुका है भाई। ऐसा करेगा तो क्या, कहां जाएंगे भाई, हम डूब के मरेंगे भाई, दिमाग खराब कर दिया भाई। इन सालों को सीरियसली शर्म नहीं है यार, एक तो इनके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, इनको इतना अच्छा रेवेन्यू मिलता है, हमारी अर्निंग का 55% ये लेते हैं और जो बाकी की अर्निंग होती है वो हमें मिलती है, ठीक है, जो एड रेवेन्यू होता है। फिर भी इन्हें शर्म नहीं यार, फिर भी कंटेंट को प्राइवेट किया, वो भी बिना कोई रीजन के। मैं बता दूं उस कंटेंट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो प्राइवेट हो सकता था, कुछ भी स्पैम नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब सीरियसली जस्ट एक 5 मिनट की अपडेट वीडियो थी उसको भी प्राइवेट कर दिया भाई। क्या कहां जाओगे यार ये। इस टाइम भाई मैं सही कहूं तो मेरे को YouTube पे इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा भाई इनको भाई क्या करे यार, बाकी भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, वो टाइम वेस्ट किया, मतलब भाई क्या बोलूं यार, सबसे पहले वीडियो डाला था एंड उस पर व्यूज भी अच्छे आ रहे थे, 6 लाख पार हो गई थी, बट YouTube ने फाइनली उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया एंड उस पर कुछ नहीं आने वाला, चैनल की रीच भी डाउन होगी, बस क्या बोले यार YouTube को। एंड ये भाई पता नहीं इनकी कोई न्यू पॉलिसी आई है जिस बिना बता क्या, इस पॉलिसी में क्या करते हैं, किसी की वीडियो कभी भी प्राइवेट कर देते हैं इनकी मर्जी से, मतलब कंटेंट को रिव्यू तक नहीं करते यार, क्या बंदे हैं भाई ये YouTube वाले, शर्म लिहाज तो है नहीं भाई, इतनी मुश्किल से कंटेंट बनाया, बंदों को पता चल जाएगी कैसे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला, उसको भी छोड़ा भाई, शर्म कर लो। यही बताना था कि भाई मेरी वीडियो को कर दिया फाइनली प्राइवेट, बट आज वीडियो में मैं तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अपने फ्री रिवॉर्ड्स को लेके, तो उसको सुन लेना। एंड भाई जो YouTube है उस पर मैं खुद एक्शन लेने वाला हूं, ट्वीट करेंगे यार इनकी बहुत ओलिया यार, ये आगे भी फ्यूचर में भी यही बकचोदियां करेंगे। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज से मेरा साथ देना, बिकॉज ये YouTube अपना इंडिया से ही खाता है और इंडिया के साथ ऐसा करता है, तो प्लीज साथ देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लो, नेक्स्ट वीडियो में उड़ाएंगे इनकी। सो यस यार गाइस, अभी हम फाइनली बात कर लेते हैं भाई जो हमें फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे वो तुम्हें कैसे मिलेंगे। तो भाई जैसा कि तुम्हें बताइए आज भाई लाइव स्ट्रीम पे हमें करवानी थी 4.5 लाख की वॉचिंग, बट भाई कुछ ज़्यादा ही हमने वॉचिंग करवा दी, सीरियसली 1.8 मिलियन तक की वॉचिंग गई थी, मतलब भाई हाईएस्ट वॉचिंग एवर, मतलब तुमने रिकॉर्ड बना दिया, तुमने इतिहास बना दिया यार। एंड भाई जो फ्री फायर के मॉडरेटर थे जो अपने फ्री फायर को इंडिया में हैंडल करते हैं भाई, वो फुल्ली नहीं समा रहे थे यार, बिकॉज उनके मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, लाइक ग्रुप है हमारा पार्टनर्स का, सो उसमें मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि भाई वॉचिंग कंप्लीट होगी, ये हो गया न्यू रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, मतलब भाई वो सीरियसली फुल नीचे समा रहे थे। एंड हाँ भाई ये तो बात है कि यार किसी ने सोचा था इतनी वॉचिंग जाएगी, बट गई है यार तुम्हारी वजह से भाई। एंड भाई क्या बोले यार, मजा आ गया। सो अभी यार गाइस अभी हम फाइनली बात कर लेते हैं भाई जो हमें ये रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे जिसमें से हमें एक करेक्टर क्लेम इवेंट मिलने वाला था, जिसमें से हम एक करेक्टर क्लेम कर सकते थे, साथ ही साथ हमें एक और इवेंट मिलने वाला था जिसमें से हम फ्री में यहाँ पर इमोट्स या फिर ग्लोबल स्किन एंड ये सब क्लेम कर सकते थे, ठीक है। बट अभी तक ये इवेंट नहीं आया, बिकॉज वॉचिंग भी अभी कंप्लीट हो चुकी है एंड काफी बंदों के कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई कैसे हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, प्लीज से बताओ। तुम्हारे लिए भाई मैंने सबसे पहले एक और वीडियो बना दिया, सो प्लीज सुन लेना। तो देखो यार गाइस, सबसे पहले एक चीज तुम ध्यान दो कि इनका रिडीम कोड नहीं आने वाला, बिकॉज काफी सारे यूट्यूबर सभी वीडियो बना रहे कि रिडीम कोड आ गया, ले लो रिडीम कोड आ गया, अभी ले लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस, मैं तुम्हें पहले बता दूं, कोई भी रिडीम कोड नहीं आएगा रिवॉर्ड्स का, ये भाई तुम्हें डायरेक्ट मिलने वाले यहां पर इवेंट में, जो अभी तुम स्क्रीन पर इवेंट देख रहे हो कुछ ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें बेसिकली भाई तुम्हें सारे के सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सो अभी यार मैं तुम्हें कंफर्म बता देता हूं कि ऐसा इवेंट कब आएगा अपनी गेम में एंड कब यार हम इनको क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भाई तुम्हें कुछ ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा जिसमें से मेरे को पता भाई तुम वुकोंग को ही लेने वाले होंगे, ठीक है, जो अपना करेक्टर क्लेम इवेंट है उसमें से भाई मेरे को पता तुम वुकोंग को लोगे। एंड एक बार कमेंट करके शुरू बताना कि तुम इनमें से कौन सा करेक्टर लेने वाले हो। मैं तो भाई वुकोंग लूंगा, अभी वो सबसे बेस्ट करेक्टर है एंड यार तुम्हें काफी ज्यादा एडवांटेज देगा ये वाला करेक्टर का। सो अपने यार गाइस दो इवेंट आने वाले, एक तो भाई अपना ये करेक्टर क्लेम इवेंट आएगा, दूसरा इवेंट होगा यहाँ पर अपना ये वाला इवेंट, ठीक है, जिसमें से भाई तुम अपना ग्लोबल स्किन या फिर इमोट वगैरह चूज कर पाओगे। सो ये दोनों के दोनों इवेंट भाई जो अभी मैंने तुम्हें दिखाई है ये कन्फर्म है, ये आने वाले, ठीक है। एंड अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगा कब आएंगे, बिकॉज अभी वॉचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है एंड ये सब कुछ कब होने वाला वो तुम्हें बताऊंगा, तो सुन लेना, अर्जेंट अपडेट है। तो एक बार यार गाइस कमेंट करके शुरू बताना कि तुम इनमें से कौन सा रिवॉर्ड लेने वाले हो, लाइक फ्री ग्लोबल एंड अपना इमोट वगैरह इस वाले इवेंट में, तो इसमें से भाई तुम कौन सा रिवॉर्ड लोगे। सो मैं तो भाई लेने वाला हूं यहां पर ग्लोबल स्किन रेड वाली, तुम भी एक बार कमेंट करके शुरू बताना इनमें से भाई तुम कौन सा रिवॉर्ड लेने वाले हो, ठीक है। एक रिवॉर्ड ले सकते हो, एक करेक्टर ले सकते हो, प्लस जो वाला इवेंट है इसमें से भी एक रिवॉर्ड ले सकते हो तुम। सो देखो यार गाइस जो वाला इवेंट है ये भाई तुम्हें अपनी गेम में रात के 12 बजे के बाद देखने को मिल सकता है या फिर कल तुम्हें ये वाला इवेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जितना भी चांस निकल गया रहा है भाई तुम्हें कल 4 बजे तक या रात के 12 बजे तक तुम्हें ये वाला इवेंट देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी यार गाइस जो फ्री फायर के मॉडरेटर हैं उनसे मैं कंफर्म कर लूंगा कब भाई ये वाला इवेंट तुम्हें मिलेगा, उनसे मैं कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। कल तक तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, अगर इनकेस नहीं मिलता तो मैं तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोई भी नहीं बताने वाला, बट तुम्हारा भाई सबसे पहले बताएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना एंड गाइस लव यू ऑल।